सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम चर्चा का। हेल्दी और फिट रहने के लिए लोग जिम में जाकर एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं। हर दिन एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर को कई फायदे होते हैं, लेकिन बीते काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि लोगों को अचानक से दिल का दौरा पड़ने से कम उम्र के लोगों की मौत हो रही है। इस लिस्ट में कई स्टार्स भी शामिल हैं। कई ऐसे स्टार्स का हाल फिलहाल में निधन हुआ है जिसका कारण दिल का दौरा पड़ना था। जब भी इन स्टार्स की इस तरह से मृत्यु होती है तो हर कोई कहता है कि स्टार्स तो इतना जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, फिर कैसे ये घटना घट रही है। वहीं मौजूदा स्थिति में ठंड के कारण अटैक पड़ने से अधिकांश लोगों की मौत हो रही है। और कल का मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से है, जहाँ ठंड के कारण 27 लोगों की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। और अब ये अचानक हो रही मौतें कई सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं, जिसमें डॉक्टर शहनवाज खान, वहीं अमित सिंह जिम ओनर हैं, वहीं भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता सपा हैं, मोहम्मद रफी नेता बीजेपी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। सबसे पहले मैं डॉक्टर का रुख करूंगी। हाल ही में हार्ट अटैक से मौत के कई मामले सामने आए हैं, दिल का दौरा क्यों पड़ रहा है, वजह क्या है? देखिए मयूरी जी, सबसे पहले तो ये बताना है कि इस टाइम जब ठंडक थोड़ी ज़्यादा हो रही है और लोग, खासकर जो मुद्दा आ रहा है कि जिम जाने से लोगों को ये प्रॉब्लम क्यों हुई है, जिम जाने से लोग जो कि फिट रहते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि जिम जाने से लोग सब फिट ही हैं। तो मेन चीज़ ये होती है कि ठंडक में जो हमारे शरीर की जो नसें हैं वो थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जो कि पतली हो जाती हैं, जैसे कहें जो हमारे नसों की जो नाली की क्षमता है वो पतली हो जाती है। और जब वर्कआउट आदमी करता है तो हार्ट पर लोड ज़्यादा पड़ता है, उसके वजह से ब्लड प्रेशर जो है बॉडी का ज़्यादा हो जाता है। उस कंडीशन में भी हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो कि जिम के वजह से लोगों के सामने केस आए हैं। और क्योंकि जो मेन ठंडक है, ठंडक में जो है जो लोगों को सबसे बड़ी चीज़ है टेम्परेचर, एकदम से लोग गए नॉर्मल टेम्परेचर में कमरे के अंदर लिए हैं, हीटर लगाए हैं, वो अचानक से बाहर निकलते हैं तो जो सडनली टेम्परेचर चेंज होता है उसके वजह से भी प्रॉब्लम ज़्यादा बन रही है मेरी जी। जी, अब मैं जिम ओनर अमित का रुख करूंगी। अमित, जिस तरीके से एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक के कई मामले सामने आए हैं, लोगों में कहीं ना कहीं अब डर बैठ गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, वो डर होना लाजमी है, क्योंकि जब जिम जाने पे उस जगह पे कोई चीज़ कैजुअलिटी हो जा रही है तो लोग उस प्लेस को विक्टिम मानते हैं। अभी जो लोग जिम जा रहे हैं उसका ये मतलब नहीं है कि वो इंटरनली भी फिट है, सामने से तो फिट दिख रहे हैं लेकिन इंटरनली वो फिट नहीं है। क्या जिम जाने से पहले कोई डायग्नोसिस हुई कि क्या हमारा हार्ट जो जिस लेवल पे होना चाहिए कार्डियक एक्टिविटी के लिए या स्ट्रेंथ एक्टिविटीज के लिए, क्या वो प्रिपेयर है? और जब प्रिपेयर नहीं होता है तो ऑल ऑफ सडन जो ब्लड की डिमांड बढ़ती है, ब्लड सप्लाई की, और वो हार्ट तक जाता है और हार्ट से बाहर नहीं निकलता है, तो वो इट इज जस्ट लाइक अ बलून, कि वो बलून में कोई हवा आ तो रही, कहीं निकल नहीं रही है, तो वो भी एक कॉज है। दूसरा, प्लाक जो फॉर्मेशन होता है आर्टरीज में, जो आर्टरीज हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड और न्यूट्रिशन रिच ब्लड ले जाती हैं, उसमें प्लाक फॉर्मेशन होता है। वो बैड हमारी जो लाइफस्टाइल हो चुकी है, एंजाइटी है, और जो हम बाहर का फूड, जो जंक फूड है, रेगुलर बेसिस पे खाते जा रहे हैं, बहुत सारे आप उनको देखेंगे कि अभी कोविड के बाद से लोगों का वर्क फ्रॉम होम बढ़ा है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज उनकी वॉकिंग या आना जाना ये कम हुआ है, तो वो भी एक कारण है। अभी जैसे आपने कहा कि कानपुर में 27 लोग या जो भी नंबर आपने बताया, उतने नंबर्स के लोगों को कल कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो क्या सभी जिम जा रहे थे? तो ये एक फैक्ट है कि लोग कार्डियक अरेस्ट जिनको हुआ, वो मीडिया की एक अच्छाई है कि मीडिया लोगों के सामने लेकर आई और लोगों को पता चला कि इनको लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटीज हुई है। लेकिन वो लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटीज सिर्फ जिम में नहीं हुई, जिम तो दैट वाज अ प्लेस ओनली, लेकिन उसके पहले उनकी मेंटल स्टेट क्या थी, फिजिकल स्टेट क्या थी। जिम में जो यंगस्टर है, जो आजकल वो
कम टाइम में बॉडी बनाना चाहते हैं वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड पे चले जाते हैं, जो कि डॉक्टर्स लास्ट में यूज करते हैं जब लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटीज हो जाती। कोविड के टाइम पे पेशेंट्स के सर्वाइवल के लिए स्टेरॉइड्स यूज किए गए, लेकिन वो डॉक्टर अपने सुपरविजन में करा रहे थे कब कितना देना है और कब उसको बॉडी से किस तरह से वॉश आउट कराना है। लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर्स नहीं है, यहाँ पे ट्रेनर्स हैं, और वो बहुत मैक्सिमम जिम सर्टिफाइड ट्रेनर्स ऑप्ट कर रहे हैं, रख रहे हैं, लेकिन लोग अपने आप यूट्यूब से सीख के भी आ रहे हैं कि ये स्टेरॉइड ले लेते हैं, इससे कुछ होता नहीं है। जिनकी भी डेथ जिम में हुई है उनकी जब तक हिस्ट्री नहीं पता चले तब तक ये कहना कठिन है कि इनकी एक्सरसाइज की वजह से डेथ हुई। जी जी अमित, मैं फिर से आपके पास आऊंगी, हमारे साथ मोहम्मद रफी जो भाजपा नेता हैं उनके पास चलूंगी। मोहम्मद जी, हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बूस्टर डोज पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज लगातार प्रदेश की जनता का ख्याल रखते हुए कार्य कर रहे हैं। ये जितने भी मामले हुए हैं उस पर डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य विभाग है आपके पास, तो लगातार इन मामलों की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं। और हम, क्योंकि इस पे कोई भी राजनीति होनी नहीं चाहिए क्योंकि लोगों की जान का सवाल है, किस तरीके से लोग वर्कआउट कर रहे हैं, वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार कर रहे हैं या अपने ही तरीके से व्यायाम कर रहे हैं, कितनी डोज मान लीजिए वो मेडिसिन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, लगातार चेकअप करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो भी लोग जिम कर रहे हैं या नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं तो लगातार डॉक्टर की सलाह से ये कार्य करें, जिम ट्रेनर के माध्यम से जो वर्कआउट वो दे रहे हैं उसके हिसाब से वर्कआउट करें, जो वर्कआउट वो दे रहे हैं उसको फॉलो करें, कहीं ऐसा तो नहीं जो वर्कआउट वो दे रहे हैं उससे अधिक मात्रा में वो अपनी तरफ से वो वर्कआउट कर रहे हैं। रहा सवाल प्रदेश सरकार का, हम लोग लगातार कोविड के टाइम में भी लगातार हमने लोगों का सहयोग किया, जन जन जाकर हर वर्ग के समाज में प्रदेश के अंदर लोगों का ख्याल रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जमीनी स्तर पर इसकी पड़ताल की। अभी भी जो ये मामले आपके द्वारा सामने आए हैं, जो कल हुए हैं, दुखद है, मेरी संवेदना है उन परिवार के प्रति, तो हम उसको भी बारीकी से जांच करा रहे हैं और ख्याल रखेंगे पूरे प्रदेश का कि कैसे इस बीमारी से बचा जाए। और मेरा यही आग्रह है जनता से प्रदेश की कि डॉक्टर्स जिम ट्रेनर की सलाह से वो कार्य करें, फिटनेस को बनाएं, ये अच्छी चीज है लेकिन सलाह के अनुसार। जी, सपा से भुवन भास्कर हमसे जुड़े हैं। भुवन जी, बूस्टर डोज पर जो विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं, इसको लगाने के बाद हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने सवाल खड़े किए, विपक्ष होने के नाते आपको नहीं लगता कि इस विषय पर विशेष जांच होनी चाहिए? निश्चित तौर पे ये जांच का विषय तो है ही है, लेकिन हमारी जो संवेदनाएं हैं, जो विषय आज आप चला रही हैं, 27 लोगों की मौत का जो विषय आया है कानपुर में, ये घटना बहुत ही दुखद है और ठंड से लोग मारे गए। सरकार को निश्चित तौर पे इस विषय का संज्ञान लेना चाहिए। और जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो स्वास्थ्य मंत्री है वो छापे तो मार रहे हैं, लेकिन उसके साथ उनपे क्या कार्रवाई हो रही है ये भी प्रदेश को बताने का और प्रदेश की जनता को बताने का काम करें। निश्चित तौर पे छापे मारना अच्छी बात है, लेकिन छापे के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पे जो अधिकारी होते हैं वो एक अपने वो उस तरह से काम नहीं कर पाते जिस तरह से उनको अपनी करना चाहिए। ये प्रश्न लगातार यह प्रश्न बना हुआ है। निश्चित तौर पे सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिए और उनके प्रदेश की जनता के लिए जो ठंड की रोकने के लिए व्यवस्था है, जो गरीब लोग हैं निर्धन विशेष तौर पे, इसमें चाहे अलाव के जरिए हो, चाहे कंबल वितरण के जरिए हो, चाहे अन्य सुविधा देने के माध्यम हो, निश्चित तौर पे ये काम करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं कहना चाह रहा हूँ, जो विषय जांच का है वो विषय जांच होना चाहिए कि इतनी संख्या में जो लोग मर रहे हैं, है ना, जिसपे आप डोज पे जो जा रहा है, प्रश्न जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर निश्चित तौर पर जांच का विषय है तो जांच होना चाहिए और दोषियों को सजा मिलना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी सरकार की होती है और विपक्ष के पार्टी होने के कारण, मुख्य विपक्षी होने के कारण, हम भी अपनी जिम्मेदारी से सरकार को बार बार जगाने का काम करते हैं। जी,
मैं एक बार फिर से डॉक्टर का रुख करूंगी। डॉक्टर, अगर देखा जाए तो कोरोना के बाद हार्ट अटैक के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कम उम्र के लोग इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं, इसकी क्या मेन वजह है? देखिए मयूरी जी, ऐसा कोई खास अभी वजह सामने नहीं आ रही है कि क्या सिर्फ ये कोविड के बाद ही से आ रहे हैं। हाँ, कोविड के बाद से ये जरूर हुआ है कि लोगों के खान पान में बड़ा परिवर्तन हुआ है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि जो कोविड की डोज दी गई है उसको हम ब्लेम करें अभी, क्योंकि उस पर एक रिसर्च का विषय है अभी, उस पर एक बिना तथ्यों के कहना अभी उचित नहीं होगा। हाँ, खान पान में ज़रूर लोगों के परिवर्तन हुआ है, क्योंकि लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करा है और एक्टिविटी उन लोगों की बहुत कम रही है। लोगों ने वर्कआउट अब शुरू किया है, उतना वर्कआउट नहीं कर रहे थे, किसी वजह से बाहर ज़्यादा नहीं जा पा रहे थे, तो उसकी भी एक मुख्य वजह है कि जो यंग एज के लोग हैं इस टाइम उनके खान पान बहुत ज़्यादा बदला हुआ है, जिसके वजह से हम लोग ये मान सकते हैं कि एक रेशियो उधर ही बढ़ रहा है, जिसकी प्रमुखता हम ये कह सकते हैं कि इस टाइम देखा जाए जंक फूड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मॉल में अगर जा रहे हैं, बाहर मार्केट में जा रहे हैं, अब वो संतुलित आहार नहीं लिया जा रहा है, तो इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह रहती है। और प्लस कभी कभार ऐसा रहा है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जिनको गैस की कंप्लेन करते हैं और जाकर के किसी भी मेडिकल स्टोर से एक गैस की दवा ले लेते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि गैस का ही वो दर्द था। वो था क्या, वो एक्चुअली में था हार्ट का पेन हो रहा था, हार्ट में प्रॉब्लम शुरू हुई है और उसको नज़रअंदाज किया गया है, और नज़रअंदाज करने के बाद उसको जो है काफ़ी दिन तक उसके ऊपर कोई किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह नहीं ली गई है, और उसके बाद जब वो चीज़ दोबारा रिकरेंट हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो जान का खतरा तो बनेगा। जी मेरी जी, एक बार फिर से मैं अमित का रुख करूंगी। अमित, आखिर जिम में वर्कआउट के दौरान ही लोगों को क्यों हार्ट अटैक आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि जिम के वर्कआउट के दौरान आ रहे हैं, लेकिन जिम में जो आ रहे हैं वहां पे सारे जिम ओनर्स को, जिम ट्रेनर्स को सचेत होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज को या कॉमन लोगों को वहां पे डेथ थ्रेटनिंग एक्टिविटीज के फेज से गुजरना पड़ा है और डेथ्स हुई है, वो सभी के लिए रिसर्च का है। जो अभी कहा गया कि सभी के द्वारा कि एक कोविड की वैक्सीन के बाद से हो रहा है, वो भी रिसर्च का विषय, क्योंकि नई चीज है, अभी बहुत कम टाइम हुआ। और अगर जिम में हो रहा है तो ये भी रिसर्च का विषय है ट्रेनर्स के लिए, फिटनेस प्रोफेशनल्स के लिए, कि वो कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाएं कि कोई भी एक्टिविटी करने से पहले हम लोगों से वो क्वेश्चनेयर पूछें कि कल कैसा दिन आपका बीता, या वर्कआउट आप किस तरह का कर रहे हैं, स्ट्रेस लेवल किस तरह का है। जिम में एडमिशन लेने से पहले हम लोग ये इंश्योर करते हैं, फॉर्म एक क्वेश्चनेयर है कि उसमें आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, कभी कुछ ऐसा रहा कि जिसके थ्रू आपको हार्ट अटैक या लीवर किडनी और कोई भी जॉइंट रिलेटेड। अमित, अगर देखा जाए तो आजकल बच्चों में कहीं ना कहीं बच्चे एज नहीं देखते, उनको शौक रहती है कि जिम जाना है, तो एक सही एज क्या है जिम ज्वाइन करने की? एज देखिए, आफ्टर 12-13 इयर्स कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में तो पेरेंट्स ही डाल रहे हैं ना। आप देखिए 6-7 साल के बाद आप किसी भी स्टेडियम में जाके देखिए, वहां पे बच्चे वर्कआउट कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। गेम्स भी तो एक तरह की फिजिकल एक्टिविटी है, जिम उसी चीज का ऑर्गेनाइज्ड वे है। हम गेम के थ्रू भी चीजें कराते हैं और हम एक्सरसाइज जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है उसके थ्रू भी कराते हैं। तो दोनों जगह पे वो चाहे कोई अपने घरेलू पार्क जो है आसपास है, घर में इंडोर एक्टिविटीज है, सब जगह फिजिकल एक्टिविटी तो हो ही रही है। अब एज उसकी कैसे डिसाइड होगी? एज इस तरह से डिसाइड होगी कि आप एक्टिविटी में आपका टारगेट क्या है। आप मसल्स बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं तो इतनी आपकी एज होनी चाहिए कि आपकी मसल्स स्ट्रांग हो उतना लोड लेने के लिए। हम जीने भी चढ़ते हैं तब भी हमारी बॉडी का जो वेट है वो हमारा प्लांटर, मतलब हमारे तलवे, एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, ये सब बेयर कर रहे ना। ऐसे ही जिम में जब आप कोई आता है तो ये एग्जामिन किया जाता है कि इसका प्रोग्रेसिव वेट कितना होनी चाहिए, हम कितना इस पे लोड डाल सकते हैं। यहाँ पे जब अभी सर जो भाजपा के प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि आप गाइडेंस को माने, तो बहुत लोग गाइडेंस नहीं मानते हैं, अपनी चीजें छिपाते हैं।
लेकिन अगर ओपनली वो बता रहे हैं तब ये जिम ओनर्स की, जिम ट्रेनर्स की, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कलेक्टिवली कि हम उनकी सेहत का ध्यान रख के उनको बहुत हाइपर उस पे ना ले जाए स्टेज पे कि उनको मोटिवेट कर रहे हैं लेकिन उनकी बॉडी, मसल्स, हार्ट, लंग उनका भी तैयार नहीं उस चीज के लिए। ये तो पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगा कि किस एज में उसको हम क्या एक्टिविटी करा रहे हैं। जी मैं भाजपा नेता मोहम्मद रफी का रुख करूंगी। रफी जी, ठंड की वजह से लोगों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, आपकी तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए, फिर चाहे वो अलाव को लेकर हो या रैन बसेरे को लेकर हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये दावे कागजी नजर आ रहे हैं। मैं मुख्य जगह या वीआईपी एरिया की बात नहीं कर रही हूँ, आउटर्स की। देखिए, जहां तक बयान इमरान प्रतापगढ़ी जी ने दिया है, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है, कांग्रेस हो या विपक्ष में जो भी पार्टियां हों, मेरा इनसे बस यही कहना है कि ये जो मौतें हुई हैं, ये जो घटना घटित हो रही है, इस पर राजनीति ना करें, क्योंकि ये विपक्ष हमेशा राजनीति करता आया है और सिर्फ ऐसी जगहों पर, ऐसी मौतों पर जहां संवेदना देनी चाहिए वहां पर ये लोग राजनीति करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जमीनी स्तर पर कोविड में भी लगातार कार्य किया, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी लगातार अलाव हो, रैन बसेरा हो, लोगों का ख्याल रखना हो, कर रहे हैं। जो भी प्रोटोकॉल, जो भी गाइडलाइन हमारी सरकार जारी करती है उसको बस जनता फॉलो करे, मेरा उनसे सबसे यही निवेदन है। अभी मैं प्रवक्ता सपा का बयान सुन रहा था कि माननीय बृजेश पाठक जी छापेमारी कर रहे हैं, लगातार बृजेश पाठक जी कार्य कर रहे हैं। पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री ने जो कार्य किया उसे आप कागजों में उठाकर देख लीजिए, इस सरकार में माननीय बृजेश पाठक जी लगातार हर जिले में लगातार सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और अस्पतालों में जाकर मरीजों का हालचाल लेते हैं, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं, जो कमियां पहले रही थी उसमें लगातार सुधार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद सक्रिय होकर जमीनी स्तर पर इसको देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस जगह पर बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स की सलाह लें, जो बच्चे, ये यूथ है जो गेम खेल रहे हैं, जो कम समय में मेडिसिन का प्रयोग करने लगते हैं, वो सोचते हैं कि ज़्यादा हाई पावर की मेडिसिन लेने से हम जल्दी ही अच्छा, मान लीजिए, रिजल्ट ले पाएंगे खेलों में। ऐसा ना करते हुए डॉक्टर्स और जिम ट्रेनर की सलाह लें, जो भी प्रोटीन प्रक्रिया में आती है, जितनी डोज है, जितनी बनती है, उसी को लें, उसी को फॉलो करें, क्योंकि वक्त है। हमने कोविड का दौर भी देखा, हमने जमीनी स्तर पर काम किए, जो विपक्ष लगातार ट्वीट ट्वीट घर में बैठ के खेलता था, उस दौर में माननीय महाराज जी ने जिले वाई जिले जाकर कोविड के दौर में कार्य करके दिखाया, यही कार्य विपक्ष को नहीं भाता है और वो लगातार सिर्फ आरोप लगाता है, आरोपों की राजनीति करता है, क्योंकि ऐसे टाइम पे संवेदना देनी चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि गाइडलाइनों का पालन करें। जब ये विपक्ष खुद ही पालन नहीं करेगा तो ये लोगों से क्या बताएगा कि पालन किया जाए। जी, मैं सपा प्रवक्ता भुवन भास्कर के पास चलना चाहूंगी। भुवन जी, आपने मोहम्मद रफी जी की तमाम बातें सुनी, उन्होंने कहा इन मामलों पर विपक्ष राजनीति करता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमको लगता है जो सरकार है उसने पिछली बार के जो कोरोना है उससे कोई सबक नहीं लिया। आपने, हमने अपने बहुत सारे लोगों को खोया है, यमुना में बहती लाशों को अभी तक प्रदेश भूल नहीं पाया है, वेंटिलेटर की कमी, ऑक्सीजन की कमी, इसके साथ बेड की कमी, निश्चित तौर पे उस पर भी सरकार ने अभी होमवर्क नहीं करा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय योगी जी ने अभी टीम 9 बनाया है और टीम 9 में पूरा जो अगला जो कोरोना का जो आने की संभावना है उसमें एक भी डॉक्टर को इसमें समाहित नहीं करा है। पूरे प्रदेश को आईएएस के भरोसे छोड़ दिया गया है, जो कि मेरे को लगता है कि कोरोना के लिए जो अगर एक्सपर्टीज होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो होते, अगर एक आध डॉक्टर को भी इसमें शामिल कर लेते तो निश्चित तौर पे प्रशासन और उस क्षेत्र का जो विभाग, मतलब एक स्पेशलिस्ट होता है, वो मिलकर अच्छे प्रदेश की जनता की सेवा कर पाते और जनता को राहत दे पाते। ये सरकार जो है हठधर्मी है और विपक्ष के बातों को अनायास लेते हैं। विपक्ष अगर का काम होता है सरकार की तारीफ ना करे, सरकार के जो कमियां रह जाए उनको उजागर करे, ताकि वो हादसे जो हमने, तुमने अपने लोगों को खोया है, वो पूरे ना खोए। लेकिन सरकार हठधर्मिता में है, सरकार कोई उससे, मेरे को भी 2-4 बहस करने का आपके चैनल में, अन्य चैनलों में जाने का मौका हुआ और हमने बार बार सरकार को आगाह किया है कि एक्सपर्टीज को भी टीम 9 में शामिल किया जाए,
लेकिन निश्चित तौर पर सरकार न तो विपक्षियों के सजेशन को लेती है और हठधर्मिता की सरकार चल रही है। जी भुवन जी, एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगी। ठंड की वजह से लोगों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं और विपक्ष का कहीं ना कहीं दायित्व होता है कि जनता के हक में आवाज उठाए, लेकिन ऐसा करते आप नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए मैं पिछले बार के कोरोना काल की बात बताता हूँ आपको। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी ने सभी जिलों के अध्यक्षों को महानगर अध्यक्षों को कहा कि ज्यादा से ज्यादा मदद हो, और माननीय डिम्पल यादव जी जो सांसद है मैनपुरी की, वो अपने परिवार सहित सड़कों पे उतरी और सेवा करने के लिए बैठे। विपक्ष लगातार कार्य नहीं किए हैं, जो कार्य एक एक कार्यकर्ता भाजपा का जमीन पर था, खुद प्रधानमंत्री जी जमीनी स्तर पर लोगों की मदद कर रहे थे, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मौतों पे भी आप लोग राजनीति करते हैं, बड़े शर्म की बात है। क्योंकि जिस तरह से देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप बताइए, अखिलेश यादव जी कोविड काल में किस सड़क पर दिखाई दिए, एक फोटो दिखा दीजिए मुझे कोविड काल में किसी अस्पताल में किसी जगह माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व में अखिलेश यादव जी किसी सड़क पर अगर गए हो तो। घर में बैठ के मैं 1000 ट्वीट उनके दिखा दूंगा बंगले से जो उन्होंने कोविड काल में किए हैं। और महाराज जी का आप निकाल लीजिए, सर्च कर लीजिए कि हर जिले में उन्होंने कोविड काल में दौरा किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सशक्त और मजबूत सरकार है जिसने निर्णय लिया है कि प्रदेश के एक एक व्यक्ति का हम लोग ख्याल रखेंगे। मैं पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को कहना चाहता हूं कि वो अपने अपने समय में जो समाजवादी पार्टी का समय है उसमें हस्तक्षेप ना करें, हमारे को अपनी पूरी बात रखने दे। यही तो दिक्कत है, आप विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। विपक्ष की आवाज हमने दबाते, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, लीगल मुद्दे पे आप लोग बात ही नहीं करना चाहते। अभी ट्वीट की बात अगर हमने कर दी कोविड काल की, सर ट्वीट की बात अगर हम यहाँ डिबेट करने नहीं बैठे हैं, आप आराम से बारी बारी करके अपनी बात रख सकते हैं। देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ जिस तरीके से, आपको समय भारतीय जनता पार्टी को दे देना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारी बातों को सुनते नहीं है, हमारे राय मशवरे को सुनने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए घर में मौतें हो रही है। निश्चित तौर पर सरकार, यही तो बात है, आप लोग इंसानों की जान जा रही है, उस पर भी आप लोग राजनीति कर रहे हैं। संवेदना देने की जगह अगर आप लोग संवेदना देंगे, उस परिवार को संवेदना देंगे तो बेहतर होगा। हम चाहते हैं कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति ना करे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के जब प्रवक्ता साथी बोलते हैं, क्या समाजवादी पार्टी उस समय उनका समय लेती है? निश्चित तौर पे इसका आंसर आएगा ना। लेकिन जब समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखती है, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बोलना पड़ता है, मुद्दों की बात जो होगी उस पर बात रखनी पड़ती है। देखिए मैं समाजवादी के प्रवक्ता को लगातार बहुत ही सुचारू रूप से सुन रहा था, भुवन भास्कर जी को, भाई साहब को, तो आप जैसे बता रहे थे मैंने उसका जवाब दिया है कि अखिलेश यादव जी आपका जवाब पूरा हो गया। मैं एक बार डॉक्टर का रुख करूंगी। डॉक्टर आप ये बताएं, किन लोगों को एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक का खतरा अधिक होता है? देखिए मैडम, ऐसा है कि सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो यंग हैं और अगर एस्ट्रॉइड की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हो क्या रहा है कि जैसा कि अमित जी ने बताया कि और रवि साहब ने बताया कि तमाम ऐसे लोग हैं कि जो कम टाइम में अपनी बॉडी को जल्दी बिल्डअप करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के साथ में प्रॉब्लम रहेगी। और प्लस जो लोग कम्प्लीटली फिट नहीं हैं, जो नए नए अभी इन्होंने जिम ज्वाइन किया है, वो ज़्यादा एक्सरसाइज का लोड ले रहे हैं, उनका वेट जो उठाने का तरीका है वो ज़्यादा हो गया है, कैपेसिटी उनकी 40 किलो है तो वो 80 किलो तक जा रहे हैं। और ठंडक में मैंने जैसे पहले भी बताया है कि जो हमारे हार्ट तक जो नसें हैं वो पतली हो जाती हैं ठंडक में, और ज़्यादा वेट उठाने से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, उस प्रेशर के वजह से वो हार्ट में जो है वो हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ जाते हैं या हार्ट अटैक हो जाता है, यही मेन प्रमुख वजह है। और जाहिर सी बात है खान पान तो प्रमुखता पे हम लेके ही चल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम डाइट का ही सबसे बड़ा इशू आ रहा है। जी मयूरी जी, डॉक्टर अगर देखा जाए तो आजकल युवाओं में, फिर चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो, नशे के आदि होते जा रहे हैं, इसका क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है? नहीं, नशे का तो खैर इस टाइम जो आज का दौर चल रहा है वो एक दिखावे का दौर ज्यादा हो चुका है, और जिसकी वजह से अपना यंग
चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, वो इसका सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, वो एक अपने सोसाइटी को हाई सोसाइटी में चेंज करने के लिए इन सब का प्रयोग कर रहे हैं। इससे भी हमारे शरीर को और हमारे हार्ट को पूरा पूरा नुकसान हो रहा है, और उसके बाद वो अच्छे जिम जा कर के सोचते हैं कि हम जल्दी से अपनी बॉडी को डेवलप कर लें, तो यह संभव नहीं है। जी मेरी जी जी मुनर, अमित का रुख करूंगी मैं। अमित, आप बताइए कि अधिक एक्सरसाइज और हार्ट के बीच संबंध क्या है और एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए? जी, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि आपने उनसे पूछा नशे के बारे में, जी। तो किसी भी तरह की चीज जिसकी आप अति कर रहे हैं वो नशे की कैटेगरी में ही जा रहा है। जी। तो नशा सिर्फ वो शराब और इस चीज का नहीं है कि जिससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाए, नशा इस चीज का भी है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी कैपेसिटी 40 केजी की है और ऑल ऑफ सडन आप जंप कर रहे हैं 60 केजी पे, और वो क्यों? क्योंकि आपने बगल में खड़े हुए व्यक्ति को देखा कि ये कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, बिना ये जाने हुए कि वो कितने दिन की प्रैक्टिस में है, उसकी मसल्स कैसी हैं, उसके जेनेटिक्स कैसे हैं, वो कितना रेस्ट देता है और किस तरह की डाइट लेता है। आप उसको कॉपी करने के लिए जस्ट कि हम उसे कम्पीट कर पाए और हम अपने आप को सुपीरियर दिखा पाए, इंफीरियरिटी हमारी चली जाए, उसके लिए हम ऑल ऑफ सडन जंप कर जाते हैं। हमारी ब्लड वेसल्स, हमारा हार्ट, हमारी मसल्स, ज्वाइंट, ये प्रिपेयर नहीं होते हैं, फिर ये इंजरी कॉज हो जाती है। वो इंजरी चाहे कार्डियक हो और चाहे ज्वाइंट या मसल्स रिलेटेड हो। अब उसमें कितनी करनी चाहिए ये तो सबको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना है, और जो भी उन्होंने टारगेट लिया है उसको अपने ट्रेनर के साथ बैठिए और एक टाइम फ्रेम में लाइए। अभी आपको बहुत, मयूरी जी एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ कि बहुत लोग आते हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, एक स्पेसिफिक हमें बताते हैं कि हमारे घर में शादी है या हमें यहाँ पे घूमने के लिए जाना है, गोवा जाना है या किसी तरह की कॉन्फ्रेंस है, तो हमें ये बताइए कि एक महीने या 15 दिन या 40 दिन में ऑल ऑफ सडन, मतलब जल्दी से जल्दी कैसे हमारी बॉडी फिट हो सकती है। तो वो टाइम जो लेती है बॉडी वो तो लगेगा, लेकिन वो फिर रॉन्ग मीन मोड में चले जाते हैं। वो नेट पे सारा कुछ पड़ा है कि कौन सी चीजें लेने से फैट मेटाबॉलिज्म, कार्ब्स मेटाबॉलिज्म ये बढ़ सकता है, फिर वो खुद से परचेज करके और उसको इंटेक करते हैं, कभी बताते भी नहीं है कि हम ये इंटेक कर रहे हैं। आजकल के बच्चों में एक बहुत कॉमन चीज है, उन्होंने पढ़ रखा है कि कॉफी पीने से ब्लड पंप अच्छा होता है, हमें एनर्जी तेजी से आती, फास्ट आती, लेकिन वो एनर्जी कैसे आती, जब आपका ब्लड फ्लो तेज होता है, मतलब हार्ट को ज्यादा ब्लड को पंप करना होता है। अब हार्ट ज्यादा ब्लड पंप करेगा और अभी उसके लिए प्रिपेयर नहीं है तो वो क्या करेगा, वो गिव अप करेगा। रात में सोने से पहले लोग कॉफी इंटेक कर रहे हैं, एक तो ठंड है, तो वो रात में क्या होता है कि आप लेते हैं, देर तक नींद नहीं आती, फिर आपको सुबह आप उसी टाइम पे जिम जाते हैं या दौड़ने जाते हैं या पार्क जाते हैं जिस समय आपने निर्धारित किया है, तो वो भी आप उसको सोचिए कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये रात में हाई एनर्जी की कोई भी डाइट या ड्रिंक ले रहे हैं वो आपके ब्लड फ्लो को बढ़ा रहा है, तो इन चीजों को आप समझिए, अपने ट्रेनर्स से, अपने फैमिली डॉक्टर्स से जो फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह मानिए और अपना एक रोड मैप, उसको फिटनेस की लाइन में पीरियडाइजेशन बोलते हैं कि हम इस पीरियड में इतना वर्कआउट करेंगे, ये डाइट लेंगे, ये चीज हटाएंगे, लेकिन किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है, आप शॉर्टकट ना अपनाइए। ये तो मेरी और सभी अच्छे फिटनेस एक्सपर्ट की सभी के लिए सलाह है। जी मैम, एक बार फिर से मैं डॉक्टर का रुख करूंगी। डॉक्टर, अभी हमने हाल ही में देखा कि कई मामले ऐसे आए जिसमें डांस के दौरान लोगों को हार्ट अटैक आया और गिर गए, कई हाल ही में मामले देखे, क्या मुख्य वजह रही है इसके? देखिए, ऐसा है जो डांस के मामले आए हैं उसमें अभी यंग तो हमारी नजर में तो कोई ऐसा नहीं आया है जो बहुत यंग था, और जो भी डांस के मामलों में रहे हैं या ऐसी कोई पार्टी वगैरह जा रहे हैं तो वहाँ पर जो प्रमुख वजह यही है कि उनका हार्ट जो है पहले से बीमार था, पहले से फिट नहीं था, उन्होंने एक्स्ट्रा डांस का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। देखिए, किसी भी कंडीशन में अगर हार्ट अटैक पड़ रहा है तो उसमें ये मान के चलिए ब्लड प्रेशर ज़रूर बढ़ा है,
बिना ब्लड प्रेशर बढ़े नहीं। जब आदमी कोई डांस करता है, कोई एक्टिविटी एक्स्ट्रा करता है, कोई स्ट्रेस लेता है, कोई वर्कआउट करता है, तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वहां पर अगर हार्ट उसका पहले से बीमार है, हार्ट में पहले से प्रॉब्लम है, कोई नस पहले से मान के चलिए 50% ब्लॉक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आदमी किसी भी पेशेंट्स या किसी भी इंसान को तब पता चलता है उसको हार्ट की प्रॉब्लम है जब उसको पेन होता है, जब उसकी जो बीमारी है वो काफ़ी बड़े लेवल पहुंच जाती है, जो मान के चलिए 80% पे ही आने के बाद ही लोगों को पता चलता है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है। इनिशियल स्टेज पे नहीं पता चलता, मगर जब एक्स्ट्रा वर्कआउट होता है या एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटीज़ होती है उस कंडीशन में अगर उसको हार्ट अटैक पड़ रहा है, तो क्योंकि वो सडनली उसकी बॉडी का वर्क नॉर्मल था, अचानक से उसने एक्स्ट्रा अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है, तो वहां पर जो कंडीशन बनती है वो उसमें ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा रोल रहता है। जी मैडम, डॉक्टर एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक का खतरा कब बढ़ जाता है? एक्सरसाइज के दौरान जैसे मैंने कि बताया और अमित जी बता रहे हैं, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी बढ़ गई कि हमें करना चाहिए था कि मान के चलिए आधे घंटे की एक्सरसाइज हमें करनी है, हमारे एक्सपर्ट की राय होनी चाहिए आधा घंटा, और वो सोचते हैं कि हम कम टाइम में अपनी बॉडी को ज़्यादा बिल्डअप कर लें, तो वहाँ पर वो करते हैं 2 घंटे 3 घंटे भी एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमारे हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी वर्क करती है तो लोड हमारे हार्ट पर पड़ता है, और जब हार्ट पर लोड पड़ा है और हार्ट हमारा थोड़ा सा भी कमज़ोर है तो वो कहीं ना कहीं से वो डैमेज होने के चांस रहते हैं, वो चाहे वो हार्ट अटैक के रूप में आ जाएगा या एंजाइना पेन वगैरह क्रिएट हो जाएगा, तभी कुछ हम लोगों को प्रॉब्लम बनती है। जी, एक बार फिर से मैं अमित का रुख करूंगी। अमित, न्यू कमर्स को आप क्या राय देना चाहेंगे, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या डाइट लेना चाहिए? जी, अभी न्यू कमर्स के लिए यही सलाह है, और जो बहुत इम्पोर्टेंट, वो न्यू कमर हो या बहुत पुराना हो, ग्रेजुअली आप अपने टारगेट को अचीव करिए, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाइए, जिम में ही या किसी ऐसे प्लेस पे जहां पे आपको आपसे बेटर पर्सन दिख रहा है उससे सलाह ना लेके उसके एक्सपर्ट से लीजिए, जिसने 10 साल 12 साल 14 साल 15 साल उस पर्टिकुलर फील्ड में बिताए हैं, जिसके सामने बहुत सारा लॉग है, बहुत सारा एक्सपर्टीज का एक एक ट्रेजर है, तो वो आपको बता पाएगा कि किस तरह से आपको आपकी एज के अकॉर्डिंग वर्कआउट प्लान करना है। हर जिम में वर्कआउट ट्रेनर्स देते हैं, लेकिन जब आप उनकी सुने, बहुत मेंबर्स इतने अच्छे होते हैं कि वो आपसे पूरी अपनी फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री आपसे शेयर करते हैं, जब वो हमसे उस तरह से शेयर करते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है कि इनको किसी तरह का चेस्ट पेन पिछले 7 दिन में 30 दिन में हुआ है, हम कॉन्शियस हो जाते हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कि रिसेंटली आपने कोई ब्लड डायग्नोसिस कराई है, साल में कितना भी कोई फिट हो उसको 2 to 3 times अपना ब्लड का डायग्नोसिस कराना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल किस लेवल पे गया है आपका, नॉर्मल रेंज में या बढ़ गया है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आपको डाइट सजेस्ट करें। अभी ग्लूटेन जिन चीजों में ऐड होता है, जैसे आटा चावल, इन चीजों का सेवन बहुत है, वो किसी भी फॉर्म में हो, वहां पे कोई जा ही नहीं रहा है, माता पिता की इंफॉर्मेशन कम है तब भी वो कहते नहीं रोटी आप खाइए, वो तो अपने सहानुभूति में कह रहे हैं, बच्चे की प्रोग्रेस के लिए कह रहे हैं कि इसको वीकनेस ना है, लेकिन हमारे पास और अल्टरनेट उसके और बेहतर अल्टरनेट्स उपलब्ध हैं। हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर ही नहीं रहे, बॉडी के एक्चुअल हंगर आने नहीं देते हैं, और हमारा टाइम है सपोज करिए कि 12 बजे खाने का, हम 12 बजे खाना मांग लेते हैं, कहते हैं कि साहब हमारा टाइम हो गया, अदरवाइज शाम का लेट हो जाएगा, तो हम अपने एपेटाइट को नहीं समझ पा रहे। तो यंगस्टर या न्यू कमर्स के लिए यही सलाह है, आप अपने बॉडी की लिसन करिए कि बॉडी क्या आपसे चाह रही है, फिर जहां भी आप गए हैं उस ट्रेनर से पूछिए क्या आपने कोई सर्टिफिकेशन पर्टिकुलर फील्ड में किया है, फिर उससे अपना डाइट चार्ट, जो वहां पे न्यूट्रिशनिस्ट है उनसे डाइट चार्ट अपना प्लान कराइए, जो बहुत साल से इस फील्ड में प्रैक्टिशनर हैं, ट्रेनर्स हैं, उनसे अपना वर्कआउट प्लान कराइए, प्लस आपको कोई भी किसी तरह की दिक्कत है उसको छिपाइए नहीं कि ट्रेनर हमारी वर्कआउट को कम कर देगा, हमें टाइम लग जाएगा, वो कम करेगा आपकी सेफ्टी के लिए जे। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिए और ट्रेनर्स के साथ डिस्कस करके अपना वर्कआउट प्लान करिए। जी मैडम जी,
एक बार फिर से मैं डॉक्टर के पास चलूंगी। डॉक्टर, अगर देखा जाए तो ब्रेन स्ट्रोक से भी मौत के मामले अब सामने आ रहे हैं, क्या वजह है ब्रेन स्ट्रोक, इतनी तेजी से लोगों की मौतें हो रही हैं? देखिए मैम, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है इस बारे में कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोगों का जो खाने का पूरा चेंज हो गया है, उसके वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रही है जी। और सबसे बड़ी चीज़ है खाने की डाइट भी हम लोगों की प्रॉपर नहीं चल रही है, ठीक है। और जो हार्ट का हम लोगों का प्रॉपर चेकअप कोई नहीं कराता, अगर किसी को ज़रा सी प्रॉब्लम हो भी रही है, ठीक है, वो नहीं हो रही, उसके लिए प्रॉपर चेकअप नहीं हो रहा है, प्रॉपर डॉक्टर पास जा नहीं रहे हैं। अगर चेस्ट पेन हो भी रहा है तो उसको गैस, अमूमन लोग समझ के गैस की कोई एक मेडिसिन ले लेते हैं, उससे उनको थोड़ा सा आराम मिल जाता है। और उसके बाद जो है, जब बिना प्रॉपर चेकअप के चाहे हम लोग जिम जाएँ या हम लोगों को ब्रेन स्ट्रोक का भी जो रीज़न बन जाता है, वो भी इसी वजह से बनता है कि हम लोगों का जो है बॉडी में जो है जब नसें पतली हो रही हैं, प्लस इस टाइम टेम्परेचर का की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा बनती है। और जब वर्कआउट भी आदमी करता है या अचानक लोग बाहर से निकले, जैसे मैंने बोला ठंडे से गर्म और गर्म से ठंडा, जो अचानक से ये टेम्परेचर का जो डिफरेंस आता है, वो क्योंकि चाहे वो वर्कआउट करने की वजह से आ रहा हो, भाई आदमी जिम जा रहा है, घर से निकला, उसने पहले कहीं ना कहीं जिम थोड़ा डिस्टेंस पे है, वहाँ गया, अचानक से उसने पूरे जब थोड़ा सा वर्कआउट स्टार्ट किया, बॉडी से स्वेटिंग हुई, उसने कपड़े उतार के और तेज़ कर दिया, उसने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, तो क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो सडनली चेंज हो रहा है, इसकी बहुत बड़ी वजह है, चाहे वो हार्ट अटैक हो चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो, इन दो वजहों में तो इसका बहुत बड़ा रोल रहता है जी। डॉक्टर, मैं आखिरी सवाल आपसे और लूंगी। जैसा कि तमाम मौत के मामले सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक को हो या हार्ट अटैक को, तो क्या आप सलाह देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप जो भी जिम ज्वाइन करें, वहाँ पर जो भी जिम का ट्रेनर है वो एक्सपर्ट है कि नहीं है, जैसा कि अमित जी ने बोला कि उसका सर्टिफिकेशन का थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर उसको नॉलेज अच्छी होगी तभी वो आपको सही जानकारी देगा। प्लस आपको फैमिली हिस्ट्री उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि मेरे फादर को डायबिटीज़ है या मेरे घर में किसी को हार्ट अटैक पड़ा है। इन सब चीज़ों का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो होता क्या है कि आदमी को घर में हिस्ट्री दे रहा है कि हमें डायबिटीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ भी है तो भी उसमें हार्ट अटैक के चांसेस, ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस, ये सब ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। प्लस जो भी मेरी एक अमित जी को राय है कि अगर, क्योंकि जिस तरीके का इस टाइम कंडीशन चल रही है, हालात हैं, तो इसमें एक एक्सपर्ट डॉक्टर की भी ओपिनियन लेना चाहिए। और ओपिनियन इन द सेंस कि आप उनसे एक सर्टिफिकेट करवा लें कि आप जाइए एक हमें हेल्थ चेकअप अपना करवा के तब हमारा जिम ज्वाइन करिए। ये मेरी राय है, बाकी आप लोग बेहतर इसमें, आप लोगों को पता है तो, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी एक चीज़ का कोर्स का रखा है, इसके मुझसे ज़्यादा उसके बारे में आपको पता है। लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद, सपोज छोटी मोटी एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पे आप ECG एक करवा लीजिए, कुछ नॉर्मली ब्लड टेस्ट हो जाएंगे जिसमें हम लोग कोलेस्ट्रॉल वगैरह का एक आइडिया हो जाएगा, लिपिड प्रोफाइल वगैरह हो जाएगा, तो उससे जो हार्ट की हमारी स्थिति है वो हमको पता चल जाएगी, हमारा हार्ट आज की डेट में कहाँ पर है, कितना फिट है। और अगर उसके बाद भी जो दूसरी चीज़ है कि सबसे बड़ी सावधानी ये है कि जो यंगस्टर हैं वो जाते हैं, जो एस्ट्रॉइड ले रहे हैं कि हमें जल्दी से हमारी बॉडी डेवलप हो जाए, जैसा कि अमित जी ने बोला कि ना, अपने बगल वाले को देखते हैं कि उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है और हम भी जल्दी से बना लें, और उसकी मेहनत नहीं देखिए कि उसकी मेहनत कितने दिन की है, हम चाहते हैं कि हमारी जो पर्सनालिटी वो एक महीने में बन जाए, बल्कि उसका वर्कआउट जो है कम से कम 10 साल का है, तो इसका भी बहुत बड़ा रीज़न रहा है जी। मैम, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर सब ने अपनी अपनी बातें रखी और इसी कड़ी में सरकार को भी इस मसले पर संज्ञान लेते हुए रिसर्च कराना चाहिए। इन अचानक होती मौत के आंकड़े भले ही कम हैं, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है। ना ही पहली बार व्यायाम कर रहे हैं और ना ही पहली बार ठंड पड़ रही है। इस मामले पर विपक्ष की भूमिका भी अहम है, क्योंकि सवाल यहां पर जनता की जिंदगी का है। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।